जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वफादारी, सबसे कीमती भी वफादारी होती है। आज के टाइम पे अगर तुम किसी से वफा की उम्मीद रखोगे तो शायद नामुमकिन है, क्योंकि माँ बाप के अलावा इस दुनिया में तुम्हारा कोई सगा कोई संबंधी नहीं है जो तुम्हारा भला चाहेगा। पीठ पीछे बुराई और पीठ पीछे तारीफ में दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फर्क होता है। मेरा नाम है रंजीत चौहान और आप देख रहे हैं गुरुकुल क्लासेस। यूपी पुलिस का एग्ज़ाम नज़दीक है तो गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनकी आज हम प्रैक्टिस करेंगे इस वीडियो में। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यदि कुल वस्तुओं का 60% या कॉमा लगा लेना 50% की हानि पर बेचा जाता है और शेष वस्तुएं 50% के लाभ पर बेचे जाते हैं तो कुल हानि प्रतिशत क्या होगा। परसेंट का सवाल है तो कभी भी यहाँ संख्या तो देने लगी सवाल में, तो क्या करें, एक काम करते हैं, टोटल वस्तुओं की संख्या कितनी मान लेते हैं 100 मान लेते हैं और हर एक वस्तु की कीमत यानी सीपीवी कितना मान लेते हैं 100 मान लेते हैं। तो बताइए टोटल वस्तु 100 है, एक वस्तु की कीमत अगर 1 रुपये मान लूं मैं तो 100 वस्तुओं की कीमत 100 रुपये हो जाएगी। अब उसने 60% वस्तु बेची है तो 100 का 60% कितना होगा 60 होगा, तो 60% यहां पर बेची है तो बाकी 40% इसने यहां पर बेची होगी। एक वस्तु अगर 1 रुपये की उसने खरीदी है तो 60 वस्तु यहां भी 60 रुपये की खरीदी होगी तो ये भी सीपी हो गया और 40 वस्तु यहां पर भी उसने 40 की खरीदी होगी तो ये 40 रुपये की पड़ी, उसे टोटल दोनों 100 रुपये की पड़ी। 50% की हानि पर बेच दी यानी इतनी वस्तु उसने 50% के नुकसान पर बेच दी, 60 रुपये की खरीद के लाया था 50% का नुकसान हो गया, 50% आधा होता है 60 का यानी 30 का उससे नुकसान हो गया। तो बताइए क्या उसने यहाँ पे ये चीजें 30 के नुकसान यानी 30 रुपये की ही बेची होंगी क्योंकि 60 की उसे पड़ी थी, 30 का नुकसान हो गया तो 30 की उसने बेची होंगी। और ये वाली जो वस्तुएं हैं यानी शेष वस्तुएं उसने 50% के लाभ पर बेची हैं, 50% यानी आधा होता है यानी 40 पे 20 का लाभ हो गया। तो बताइए क्या उसने यहाँ पर ये 60 रुपये की बेची होंगी। अगर मैं देखूँ दोनों को जोड़कर तो दोनों उसने खरीदी कितने की थी बताइए 100 रुपये की, दोनों उसने बेची कितने की बताइए 90 की, तो यहाँ उसने नुकसान पूछा है बताइए उसे टोटल हानि परसेंट में कितनी भी 10% की हानि भी। ऑप्शन है नहीं इसके नीचे है ऑप्शन तो मैं आपको बता देता हूँ आंसर क्या सही होगा, तो 10% इसका सही आंसर होगा। ठीक है, प्रैक्टिस क्लास है तो बिल्कुल डीपली नहीं समझाऊंगा मैं। एक कार के पहिए का व्यास 21 सेंटीमीटर है, एक कार चालक 66 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलते हुए किसी स्थान पर पहुंचने में 36 सेकंड का समय लेता है, यात्रा के दौरान पहिया ने कितने चक्कर लगाए थे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये आपका क्षेत्रफल से रिलेटेड प्रश्न है, बताइए कैसे करेंगे इसको। आपकी तो प्रैक्टिस चली रही है ना, करके देखिए एक बार कैसे करेंगे इसको। देखिए मैं बात पहले आपको समझा देता हूँ कुछ चीजें। जैसे ये पहिया है, पहिए का जो त्रिज्या है ना ये जितनी ज्यादा बड़ी होगी पहिया उतना ज्यादा बड़ा होगा और एक चक्कर में उतनी ही दूरी ज्यादा चलेगा। अगर मैं बात करूंगी पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी जाता है तो अपनी परिधि के बराबर जाता है यानी 2πr के बराबर जाता है, परिधि के बराबर जाता है। ठीक है, पहिया एक चक्कर में अपनी परिधि के बराबर जाता है यानी 2πr के बराबर जाएगा। परिधि क्या कहते हैं यानी ये वाली जो लंबाई है इसको परिधि कहते हैं, तो पहिया एक चक्कर में इतनी ही दूर जाएगा यानी 2πr जाएगा। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि देखिए उसका व्यास 21 सेंटीमीटर दे रखा है, व्यास 21 है तो त्रिज्या 10.5 रही होगी, क्या इसकी त्रिज्या व्यास की आधी होती है। ठीक है, उसकी स्पीड ये दे रखी है और टाइम ये दे रखा है, तो क्या मैं यहाँ से दूरी निकाल लूंगा कि पहिए में टोटल दूरी कितनी चली होगी, तो दूरी बराबर 4 गुणा समय होता है, तो 4 यहाँ पर कितनी दे रखी है 66 दे रखी है, कितनी दे रखी है तो 66 किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसे 5/18 का गुणा करके मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे और उसने समय कितने लिया है 36 सेकंड का समय लिया है, तो ये तो हो गया बेटा 4, ये हो गया समय, दूरी निकल आएगी 18 × 36 5 × 10 तो ये कितना हो जाएगा 660 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बहुत से बच्चे इस सवाल को करेंगे तो बहुत माइन्यूट सी गलती कर सकते हैं, इसी गलती की वजह से ये प्रश्न गलत भी हो जाएगा आपका। कैसे होगा देखिए, पहिए का व्यास जो है वो जो त्रिज्या है वो सेंटीमीटर में, त्रिज्या यहाँ पर सेंटीमीटर में याद रखना, और तुमने दूरी किसमें निकाली है मीटर में, एक पहिया एक चक्कर में 2πr जाता है तो पहले तो इस दूरी को सेंटीमीटर में बदलो, तो इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा बताना, 100 का गुणा करना पड़ेगा तब आपको दूरी निकल के आएगी सेंटीमीटर में। अब एक बात बताइए आप, आपको 66,000 मीटर जाना है, कितना जाना है तो ये तो था मीटर में, इसमें 100 का गुणा कर लिया तो इतनी दूर जाना है, एक मीटर यानी एक चक्कर में आप 2πr जाते हैं, एक चक्कर में 2πr जाते हैं तो कितने चक्कर लगेंगे, तो चक्कर निकालने के लिए क्या बताइए, एक चक्कर का इसमें भाग देना पड़ेगा, तो 2π का मतलब 22/7 और त्रिज्या कितनी थी 10.5,
ठीक है, पॉइंट हटाया ऊपर जीरो बढ़ा लेंगे, ये सात कहाँ पहुंच जाएगा, ये वाला सात यहाँ से हटके कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। अब मैं इसे काट के देखता हूँ जरा, ग्यारह दूनी कितने होते हैं 22 और 11 छिक 66 होते हैं, ये यहाँ पे 60 बचेगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा दो दूनी चार, नीचे चार बचा, तो इस चार से 15 चौक 60, इसको 15 बार काट लेता हूँ, तो ऊपर बचेगा तुम्हारा कितना 7 × 15 × 1000 और नीचे कितना बचेगा बताना 10 105 बचेगा, 15 × 7 105 होते हैं, 15 × 7 कितने होते हैं 15 × 15 = 75 15 × 6 = 90 15 × 7 = 105 होते हैं, ठीक है। और 7 से 7 कट गया, तो इसका आंसर कितना होगा, ऑप्शन में डी इसमें भी छुपा हुआ है आंसर, 1000 इसका आंसर होगा, 1000 चक्कर लगाने पड़ेंगे पहिए को, 1000 चक्कर लगाने। मैं दोबारा समझा देता हूँ सवाल को, देखो एक बार, ये है सवाल, सबसे पहले तो दूरी निकालनी पड़ेगी कि पहिया ने कितनी दूरी चली है, दूरी कैसे निकालेंगे, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, तो ये तो होगी चाल, मैंने मीटर पर सेकंड में बदला है तो उसमें गुणा करना पड़ेगा 5/18 का, ठीक है। और ये हो गया समय, 36 सेकंड दे रखा है, 36 सेकंड, ठीक है। तो दूरी निकल आई 660 मीटर, को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो किसका गुणा करना पड़ेगा, 100 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहिए को चलना पड़ा कितना, 660 × 100, ठीक है। आप कहेंगे एक जीरो कहां से आ गया, अरे ये पॉइंट हटाया था ना इसका, ये जीरो आ गया, ठीक है। अब एक चक्कर में कितना पहिया जाएगा, 2πr, तो 2πr से इसमें भाग दूंगा मैं, तो देखो मैंने 2πr का भाग दिया है, 2π का मान 22/7, r त्रिज्या है 10.5, पॉइंट हटाया ऊपर जीरो आ गया। अब रही बात इसको कैलकुलेट करने की, तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए मैं एक बार इसको कैलकुलेट करके बता देता हूँ आपको, दोबारा से आपको कैलकुलेशन करके बता देता हूँ, सारी कैलकुलेशन जो है दोबारा से बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं इनका बेसिक कमजोर होता है, उनकी समझ में नहीं आता, मेरा काम यहाँ समझाना है कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, मुझे पता है कि 11 के पहाड़े में, एक सेकेंड, ग्यारह के पहाड़े में देखिए यहां पर 11 सी रहती है, मैं दो बार काटूंगा 11 दूनी बार, और 11 × 66, ये जीरो बचा, ये मैंने यहां लगा लिया, ठीक है। अब देखिए सात ये था, ये सात वाला हटा लो इसे, सात को, इस सात को ऊपर पहुंचा देंगे, ठीक है। ये सात जो नीचे था ना वो ऊपर पहुंच गया यहाँ पे, ठीक है। आप क्या करेंगे, अब यहां से ये कितना बचा, 60 बचा, ये कितने हो गए, देखो यहाँ पे दो था ना, एक दो, ये दो था ना, इस दो से मैंने क्या काट दिया, ये काटा मैंने कितनी बार, यहाँ पे दो एक्स्ट्रा कैसे आ गए, फिर शायद मैंने कुछ गलती कर दी क्या इस कैलकुलेशन में, चलिए एक बार दोबारा से कर लेते हैं इस कैलकुलेशन को, यहाँ पर कुछ गलती मुझे लग रहा है कि हो गई है, तो कैलकुलेशन में एक बार दोबारा से इसको कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इधर हाँ देखिए, ये था 2π का मतलब होता है 22/7, 7 यहाँ पहुंच गया, इंटू 105, 105 कैसे आया, पॉइंट मैंने हटा के ऊपर जीरो बढ़ा दिया है। अब मैंने इसे काटा, अच्छा ये वाला दो था सही तो किया है, तो दो से ये दो, दो दूनी चार, ये चार से मैंने 60 काट दिया 15 बार। अब क्या करें, सात से देखिए ये बार कितना बार कटेगा, 15 × 15 = 105, 7 से 7 कट गया, 1000 ही तो बचा, सही तो आंसर है, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, ये रहा, चलिए एक बार ट्राई करके देखिए सवाल को। एक कार के पहिए का व्यास 21 सेंटीमीटर है, ये तो अभी किया था ना क्वेश्चन, ये एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, इसका आयतन दे रखा है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पता है, बात बेलन की हो रही है ना, तो चलिए एक बेलन बनाते हैं, ये बेलन है, ये जो लंबाई होती है ना, ये वाली जो लंबाई है इसको वक्र पृष्ठी बोलते हैं, और इसको और इसका क्षेत्रफल भी ऐड कर लिया जाए तो कुल पृष्ठी क्षेत्रफल हो जाता है। लेकिन हमें ये वाला क्षेत्रफल नहीं निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल नहीं निकालना है, हमें केवल क्या निकालना है, ये जो गोलाई है ना इसका क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे, चलिए एक बार ट्राई करके देखते हैं, एक काम करते हैं, देखो हमें आयतन दे रखा है और आयतन का फॉर्मूला इसमें लगा देते हैं, आयतन दे रखा है तो आयतन का फॉर्मूला लगाते हैं। आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है कितना, पाई आर स्क्वायर, और यहाँ आर कितनी है, 5 है। अब ये 5 तो अनुपात में है ना, इसको असली बनाएंगे तो क्या करेंगे, x का गुणा करना पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर करूंगा मैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 5 का और x का स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई की वैल्यू कितनी रख दी मैंने यहां पर 22/7, r की वैल्यू देखिए ये रख दी,
और H, H को भी असली बनाएंगे, H कितना दे रखा है 7, इसमें X का गुणा करेंगे तो ये 7X हो जाएगा H जो है, ठीक है, हाँ जी, तो ये आ जाएगा 7X। और बराबर कितना दे रखा है, बराबर कितना दे रखा है, बराबर आयतन दे रखा है 550। सॉल्व करके X की वैल्यू निकाल लेते हैं, 7 से ये 7 कट गया, ठीक है, 11 × 22 11×55 ये 0 बचा, इसको पीछे लगा लेंगे ये कट गया, 25 से कितनी बार कट गया, 2 बार, और 2 से ये 2 कट गया 1 बार, तो X यहाँ 1 पावर है तो X की बराबर 1 आ गया, X की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, तो 5X की वैल्यू भी कितनी आएगी 5 आएगी, और 7X की वैल्यू कितनी भी आएगी 7 आएगी, जो अनुपात में था रियल में भी वही दे रखा है त्रिज्या और ऊंचाई। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा के आराम से निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRH, और R कितनी आई है बताइए, मेरी त्रिज्या आई है कितनी 5, रियल में भी 5 थी अनुपात में भी 5 है, 7 से 7 काट देंगे, 5×10 हो जाएगा, तो 22/10 कितना होगा बताना, 220 हो जाएगा, क्या आंसर क्या होगा इसका, 220। क्षेत्रफल है तो किसमें आएगा ये, तो ये मीटर स्क्वायर में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, आंसर क्या होगा 220 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़े से ठीक ठाक सवाल है, मतलब बहुत ज्यादा हाई लेवल भी नहीं है, बहुत ज्यादा इजी लेवल भी नहीं है, मॉडरेट कह सकते हो। एक लड़का 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है, चलो थोड़ा सा मैं इसको क्या करता हूँ, बढ़ा लेता हूँ इसका साइज, हाँ, एक लड़का 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है 9 मिनट देरी से पहुंचा, ठीक है, और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 9 मिनट पहले पहुंचता है, तो स्कूल से दूरी कितनी, देखो कभी भी समय का डिफरेंस दे रखा हो ना सवाल में, समय दूरी की चाल में समय का डिफरेंस दे रखा हो ऐसे सवालों में, लेट पहुंच रहा हो जल्दी पहुंच रहा हो, तो डिस्टेंस यानी दूरी बराबर फॉर्मूला होता है पहली चाल गुणा दूसरी चाल, दोनों चालों का क्या अंतर गुणा समय का अंतर, ठीक है, ये आपको बड़ा फेमस फॉर्मूला है पता ही होगा, तो चलो इसको क्या करते हैं, दूरी निकालना, तो दूरी का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, पहली चाल कौन सी चाल से क्या था 4 से आया, कौन सी चाल से 5 से, दोनों चालों में कितने का अंतर है 1 का, समय में कितने का अंतर आया, पहले 9 मिनट देरी से पहुंच रहा था, अब 9 मिनट पहले पहुंच रहा, तो 18 मिनट का डिफरेंस आया टोटल, और इस मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 60 का करेंगे भाग देंगे 60 का, ठीक है, अब काट लेते हैं इसको एक बार, 5 से 12 बार, 6 से 3 बार, 6 से ये 2 बार, 2 से ये 2 बार, 3×2 कितना आ गया 6, आंसर कितना होगा बताइए 6 किलोमीटर, बी ऑप्शन क्या होगा इसका सही आंसर होगा, बी क्या होगा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुरुष और एक महिला मिलकर एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, एक पुरुष है, इसको मैं क्या मानता हूं, मेल मान लेता हूं, एक मेल है ना, मेल, और कितनी महिलाएं, एक महिला तो एक फीमेल, मिलकर काम को दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं 18 दिन में, तो ये जो हो गया ये क्या निकल के आ गया, ये काम आ गया, ये पूरा क्या है, ये पूरा काम हो गया, बस मैं इस काम को निकाल नहीं सकता हूं क्योंकि मुझे यहाँ पर ना तो मेल की क्षमता पता है ना फीमेल की पता है, ये मेल और फीमेल क्या है, ये क्षमता है, ठीक है, अच्छा तो क्या कह रहा है वो 18 दिन में कर सकते हैं, और उनकी क्षमताओं का अनुपात दे रखा है 3:2, और क्षमता मैं क्या बोला, एक आदमी की क्षमता कितनी है 3, और एक फीमेल की क्षमता कितनी दे रखी है 2, यानी एम और एफ का मान दे रखा है, क्या मैं इसमें रखे काम निकाल दूं, तो एम में किसके गुणा होगा 3 का, तो 3×1 कितना हो जाएगा 3, और फीमेल यानी कि 2 का गुणा किससे होगा 1 से, तो ये 2 हो जाएगा, और गुणा 18 का होगा, तो पहले तो जोड़ेंगे तो ये 5×18 कितना हो गया था ना 90, ये पूरा काम निकल आया, अब किस काम को किस पे करवाना है, तो महिला को अकेले कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, तो महिला कितने दिन में करेगी, एक महिला की क्षमता 2 है ना, 2 है ना, तो 2 के हिसाब से इस 90 काम को करने में बताओ कितना दिन समय लगेगा, तो 45 दिन में काम खत्म हो जाएगा, ध्यान रखना जिस काम को करते हैं उसको ऊपर रखेंगे, जो कर रहा है उसकी क्षमता नीचे रखेंगे, महिला को काम करवाना है, महिला की क्षमता सवाल में कितनी है देखिए 2, तो 2 से भाग देंगे तो समय निकल आता है कितना 45 दिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 2160 रुपए में 2 पंखे खरीदता है, एक पंखे को 15% के लाभ पर और दूसरे को 9% की हानि पर बेचता है, पूरे लेन देन में ना लाभ हुआ ना हानि, प्रत्येक पंखे की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए अब देखिए ये क्या दे रखा है, ये खरीदी हुई कीमत दे रखी है 2160, इससे हमें एलिगेशन से कर सकते हैं, यहां लिखेंगे क्या बेटा लाभ यानी प्रॉफिट, यहां लिखेंगे लॉस, और एवरेज जो प्रॉफिट लॉस हुआ वो बीच में रखा जाता है, यानी कि दोनों पे मिला के कितना प्रॉफिट हुआ और लॉस हुआ, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिए,
एक पे कितने का लाभ हुआ है 15% का लाभ, दूसरे पे कितने की हानि हुई है 9% की हानि। ओवरऑल क्या हुआ है, ओवरऑल ना लाभ ना हानि यानी जीरो रखेंगे बीच में, यहां इसको घटाएंगे, यहां इसको घटाएंगे, यहां पे ये सीपी निकल के आता है दोनों का, यहां 9 आ जाएगा, यहां 15 आ जाएगा, लेकिन ये दोनों की वस्तुओं का सीपी है, इसको अनुपात में बदलेंगे तो 3 * 9 = 5 = 15 यानी 3:5 आएगा, और दोनों का सीपी मिला के कितना है 8। मेरे सवाल में दोनों का सीपी कितना है 2116 दोबारा से लिख लेता हूँ 2160 सॉरी, ठीक है 8 का मान पता है मुझे, मुझे क्या निकालना है, मुझे प्रत्येक पंखे का लागत मूल्य निकालना है, यानी कि मुझे यहाँ पर 3 का भी मान बताना है और 5 का भी मान बताना है। तो पहले मैं 1 का मान निकाल लेता हूँ, 8 का भाग इसमें दूंगा तो ये हो जाएगा 8 × 16 = 8756 यानी 270 हो जाएगा। 1 की वैल्यू अगर 270 है तो मुझे 3 की वैल्यू निकालनी है तो 3 का गुणा कर दो, और 270 में 5 की वैल्यू निकालनी है तो 5 का गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0 7 21 2 और 3 2 6 7 810 रुपये तो आगे पहले पंखे की कीमत, और 5 0 = 0 8 7 35 हासिल 3 5 2 10 13 1350 आगे दूसरी वस्तु की कीमत, लागत कीमत ये आगे दोनों को देख लेना 2160 ही आएगी, दोनों को मिला के 2160 आएगी। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट, ये प्रैक्टिस चल रही है ध्यान रखना, प्रैक्टिस सेशन है और प्रैक्टिस सेशन में तुम्हें पता ही है चीजें ऐसे ही चलती हैं, थोड़ा फास्ट मतलब बहुत ज्यादा डीपली तुम कहोगे कि एक एक चीज समझाओ तो प्रैक्टिस सेशन में पॉसिबल नहीं है, वरना टाइम बहुत लग जाएगा, हमें छोटी छोटी बातें बताने लग गया कि काटते कैसे हैं ये सब चीजें वो जब क्लास। हाँ एक बात और बता दूं मैं आपको कि यूपी पुलिस का एग्जाम हो जाने दो, उसके बाद कंप्लीट मैथ पहले चैप्टर से लेके एंड चैप्टर तक डेली कंटिन्यू क्लास लगेगी। हाँ एक आध दिन बीच में मिस हो सकता है अगर कोई बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम आया, लेकिन मैं पूरा मैथ कराऊंगा आपको, और तब मैं आपको बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज़ सारी बातें डिटेल में बताऊंगा। एक आदमी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद 4 मिनट का विश्राम। बहुत अच्छा, बहुत लॉजिकल सवाल है, आजकल ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं जिसमें स्टूडेंट क्या करता है, बहुत सवाल ईजी है लेकिन गलती करते हैं माइंड नोट से, वो गलती कहाँ करेगा आपको बताऊंगा। 4 मिनट का विश्राम करता है हर एक किलोमीटर के बाद, 6 किलोमीटर की दूरी के दौरान उसका टोटल समय क्या होगा ये आपसे पूछ लिया है। कैसे होगा सवाल देख, 8 किलोमीटर की रफ्तार है, 8 किलोमीटर जाना कितना है 6 किलोमीटर, ये स्पीड हो गई, और जाना कितना है उसे डिस्टेंस चलना है कितना 6 किलोमीटर, और हर किलोमीटर के बाद ग्राम ग्राम। अब देखो इसमें दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं इसको, रुकने का समय अलग और चलने का समय अलग। अब एक बात बताइए समय कैसे निकालते हैं, टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो उसे 6 किलोमीटर जाना था 8 किलोमीटर की रफ्तार से जाना था, तो ये बताइए 2 से काट के 3 बार 2 से 4 बार क्या 3/4 को अगर घंटे को मैं मिनट में बदलूं तो 60 का गुणा करूंगा, 4 से कटेगा 15 बार और 15 * 3 = 45 क्या बताइए उसे ये 45 मिनट लगेंगे, वो केवल दूरी चलने चलने में नहीं लग जाएंगे, इतनी दूरी चलने में अगर उसे 8 की स्पीड है तो मात्र चलने चलने में ही 45 मिनट लग जाएंगे। अच्छा अब रुका भी है, अब कितना रुका है तो देखो वो बात समझने वाली है, उसे कैसे समझेंगे देखो इधर एक बात बताइए, हमें बता दो यहां से चलना शुरू किया पहला किलोमीटर, दूसरा किलोमीटर, तीसरा किलोमीटर, चौथा किलोमीटर, पांचवा किलोमीटर और छठवा किलोमीटर, ठीक है यहां से चलना शुरू किया 1 2 3 4 5 6 पहले किलोमीटर के बाद रुका बेटा वो, ठीक है यहां रुका, फिर यहां रुका 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 हर 1 किलोमीटर के बाद वो रुक कितना रहा है सवाल में देखना, 4 मिनट रुक रहा है। अब आप क्या करेंगे पता है, आप यहां ये गलती करेंगे कि यहां पहुंचा 4 मिनट यहां काउंट करेंगे, 4 मिनट यहां काउंट करेंगे, 4 मिनट यहां, 4 यहां 4 यहां और 4 यहां। अब यहां पर गलती क्या कर दी आपने कि आपने ये वाला जो 4 है ना ये काउंट कर लिया, ये गलत कर दिया यहां पे। ये बताओ जब से मंजिल पे पहुंच ही गया तो यहाँ रुकने की क्या फिर आवश्यकता रही, वो समय क्यों गिना जाएगा, तो उसे टोटल समय कितना 4 4 4 4 4 5 20 20 मिनट और रुकने का समय उसमें काउंट होगा, चलने का समय था 45 मिनट, रुका वो कितनी देर है 20 मिनट, तो आंसर कितना होगा बताइए 65 मिनट, 65 मिनट उसे टोटल समय लगेगा, आंसर होगा इसका 65 मिनट, कितना होगा 65 मिनट इसका आंसर होगा, 65 आंसर भी लगा देना आप, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी धारा के अनुकूल जा रहा है 30 किलोमीटर नाव से, और
उसे आने जाने में 8 घंटे लगते हैं, आने में जाने में 8 घंटे। शांत पानी में नाव की गति धारा की गति की 4 गुना है। अब इसको बहुत अच्छा सवाल है ये, देखिए मैं मानता हूँ नाव की गति एक्स है, धारा की गति वाई है, ये शांत जल में, शांत जल में नाव की गति है, केवल इंडिविजुअल नाव की गति है, तो मैं इसको एक्स मानता हूँ, इसको वाई मान लेता हूँ, ठीक है। अगर ये धारा के साथ चलेगी नाव, धारा के साथ जाएगी नाव, तो धारा के साथ जो चाल होगी वो कितनी होगी, दोनों की चाल जुड़ जाएगी, वो होगी एक्स प्लस वाई। और धारा के अगर विपरीत जाएगी, धारा के विपरीत जाएगी तो चाल क्या होगी, तो धारा की विपरीत चाल में घट जाती है दोनों की चाल, वो हो जाएगी एक्स माइनस वाई। अब 30 किलोमीटर गई है और 30 किलोमीटर ही वापस आई है, तो टोटल समय 8 घंटे का लगा है, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि दूरी बटे चाल, दूरी बटा चाल, एक बार 30 किलोमीटर धारा के साथ गई, एक बार 30 किलोमीटर धारा के विपरीत चली, टोटल मिला के उसे जो समय लगा, ये समय है, दूरी बटा चाल समय है, दूरी बटा चाल ये समय है, तो ये वाला समय और ये वाला समय मिला के कितना लिखोगे, 8 घंटे लगे। अब यहाँ पर x का मान और y का मान, x का मान नाव की चाल, y का मान धारा की चाल कैसे निकालेंगे, एक बात बताइए, उसने दे क्या रखा है, उसने धारा की गति पूछी है। अब धारा की गति पूछी है तो ऑप्शन में ही होगी धारा की गति कहीं ना कहीं, ठीक है। और एक चीज और दे रखी है कि जो धारा की गति है वो नाव की गति की कितना है, सॉरी नाव की गति धारा की गति 4 गुना है, ठीक है 4 गुना है। अब देखो कैसे करेंगे इसे, आप सॉल्व करने लगे तो बहुत टाइम लगेगा इसमें, ठीक है बहुत समय लग जाएगा, तो कैसे करना है देखो, इधर मैं आपको करने का तरीका बताता हूँ। 4 ऑप्शन में है धारा की गति, यहां पर अगर मैं मान लू 2-4 मान लेता हूं, चलो वाई का मान अगर मैं यहाँ पे 4 मान लू, धारा की गति अगर मैं यहाँ पे 4 मान लू, तो 4 का 4 गुना ये कितना हो जाएगा 16, 16 और 4 कितने हो गए बताना, 22 का 22 का 32 में चला जाएगा, नहीं जाएगा। चलिए तो 3 मान लेते हैं, धारा की गति कितनी मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं एक बार। अगर मैं यहाँ पे धारा की गति 3 मान लू, तो 3 का यहाँ पे 4 गुना कितना होगा बताना, 3 का यहाँ 4 गुना कितना होगा, 12 और 3 कितने हो गए 15, 15 का 30 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, ठीक है ये सही है। यहाँ 3 माना था आपने, 3 का ये 12 माना था, इनको बताएंगे तो कितना, 9 का 30 में चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो आंसर ना तो ये है ना आंसर ये है, एक बार 2 को ट्राई और करते हैं, ठीक है एक बार क्या करते हैं 2 को ट्राई करते हैं। तो मैं x का मान 2 मान लेता हूं, जल्दी जल्दी से आप माइंड में कैलकुलेट करेंगे, सो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कैसे। देखिए y का मान 2 मानेंगे, इसका 4 गुना कितना हो गया बता, 8 हो गया, 8 और 2 कितने हो गए यहां पर जुड़कर 10, 10 का घात 30 में कितनी बार जाएगा 3 बार, ठीक है। यहां तुमने 2 माना था, ये इसका 4 गुना 8 हो गया, इन दोनों को बताएंगे 6 का घात 30 में कितनी बार जाएगा, 6 का भाग जाएगा 5 बार, क्या दोनों को जोड़ के बराबर 8 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो मेरा धारा की चाल क्या होगी बताना, तो धारा की चाल होगी 2 और नाव की चाल कितनी होगी 8। इससे आप ऐसे भी कर सकते हैं सवाल को, समय बचेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक शंकु बनाया जाता है, कभी भी किसी चीज को पिघला के कोई दूसरी चीज बनाई जाए तो आयतन समान रहता है, ये बात याद रखना, आयतन समान रहता है, तो किसका, गोले का आयतन, तो गोले का आयतन कितना होता है, ये गोले का तो होता है 4/3 πr³ होता है, ठीक है। और शंकु बनाया गया है तो शंकु का क्या होता है 1/3 πr²h, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व इसे यहीं पे कर लेते हैं, आसानी रहेगी, कैसे, पाई का मान तो दोनों जगह समान है, 3 का मान दोनों जगह समान है, यहां क्या करते हैं, यहां बचेगा 4 × r³। अब R कितना दे रखा भैया, त्रिज्या 10, 10 का क्यूब कितना होगा 3 0 बराबर, थोड़ा कलर चेंज करते हैं और यहां पे देखना जरा, यहां R, ये R का मान निकालना है मुझे, H कितनी दे रखी है 10 दे रखी है, तो 0 से 0 कटा, यहां 400 बचा, यहां R स्क्वायर बचा, स्क्वायर हटाएंगे या अंडर रूट लगेगा, तो यहां 20 बचेगा, यानी त्रिज्या कितनी आ गई 20। अब त्रिज्या किसकी आई है, ये शंकु की, और शंकु का व्यास पूछा है, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो व्यास कितना हो जाएगा बताना, 40 हो जाएगा क्या, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी क्या होगा इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है। इस क्लास को देखने से होगा क्या, आपको एक तो फॉर्मूले याद आएंगे, अगर जैसे कोई स्टूडेंट बिल्कुल अभी शुरुआत की है या एक आध बार कोर्स किया है तो उसको तो फॉर्मूले रिमाइंड रहेंगे जो मैं बोलूंगा सवाल में, ठीक है बताऊंगा, कैलकुलेशन करने का तरीका पता चलेगा, जो क्वेश्चन आपको दिमाग से निकल गया उनका करने का तरीका दिमाग से निकल गया उनको करने का पता चलेगा, ठीक है। और प्रैक्टिस की प्रैक्टिस होगी, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी आपकी, प्रश्न करने का एक सभी का पता चलता है कैसे करते हैं। अब देखिए इस प्रश्न को आप कैसे करेंगे, आप करके देखिए एक बार वीडियो को रोककर,
दो संख्याओं का लासा मासा दे रखा है, हमें पता है कि पहली संख्या का गुणा जब दूसरी संख्या से करते हैं तो उनका एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर आता है। बहुत ही फेवरेट, मतलब एसएससी का फेवरेट सवाल है। अब मैं क्या कर सकता हूं, पहली संख्या को एक्स मान लो, दूसरी संख्या को वाई मान लो, इनका लासा दे रखा है बेटा 60 और मासा दे रखा है 2। क्या बताइए दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आ गया, 120 नहीं आ गया, ठीक है। अच्छा, इनमें से एक संख्या दूसरी से 14 अधिक है, तो अब एक संख्या x से एक संख्या वाई है, दोनों एक दूसरे से कितनी अधिक है, यानी एक दूसरे से 14 अधिक है। अब ये सवाल बन गया। अब इस सवाल में आपको अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि इस वाली इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें कि x y का मान आए, छोटी संख्या बतानी है यानी y की वैल्यू आपको बतानी है, कैसे निकालेंगे तो एक बात बताइए। यहाँ पे एक काम करते हैं, 6 मान के देखते हैं छोटी संख्या को, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं 6 मान लूं, इसको अगर मैं 6 मान लूं y को, तो किसका गुणा करूं x का, 6 से 120 आ जाए, तो 15 छक्के 12, 10 छक्के 7 होते हैं, 15 का होगा नहीं, 20 छक्के कितना होगा, 120 होगा क्या, 20, हाँ 20, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, तो 20 छक्के कितना 120। अगर इसको 6 मान लूं और x की वैल्यू 20 आ रही है, क्या इन दोनों को घटा के 14 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो दोनों इक्वेशन में देखिए x की और y की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। यार अगर तुम y की वैल्यू कितनी मान लो, इस सवाल में से x मान लो, x मान लो, तो 6 का गुणा किससे करें कि 120 आए, तो आप कहेंगे 20 से कर दें, 20 छक्के 120 तो यहां पे ही फॉलो होना चाहिए। x का मान 20 और y का मान 6 मान रहे हो, तो दोनों को घटा के 14 भी आना चाहिए, जो आ भी रहा है, तो आंसर क्या होगा बताना, 6 होगा। आंसर क्या होगा बताना, 6 होगा। और इस तरीके से ये प्रैक्टिस सेशन, छोटा सा सेशन था, यहां पे खत्म होता है। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर लग रहा है कि हाँ थोड़ी सी ऐसी ही आपको प्रैक्टिस चाहिए, आपको लग रहा है अगर इसमें थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट क्या है, स्पीड थोड़ी धीमे होनी चाहिए, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि समय इतना नहीं बचा है कि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको चीज़ों को समझा के चलूँ। प्रैक्टिस है, आप भी करके देखिए, नहीं आ रहा है तो फिर सॉल्यूशन देखिए एक बार। तो इस तरीके से अगर आप एग्जाम टाइम तक भी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो मेरा मानना यह है कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्ट होगा, एक्यूरेसी बढ़ेगी, कैलकुलेशन की करने की क्षमता भी बढ़ेगी आपकी। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।